हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबाना क्विजिन एंड व्लॉग्स। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिश, ट्राइकला चिकन कबाब। अगर आप सेम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट चाहते हैं तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेड चिकन टिक्का बनाने के लिए इसे मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून हंकर्ड ऐड कर दिया हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून ऑप्शनल है। आधे नींबू को हमें इस तरह से स्क्वीज कर लेना है और हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पीसेस 7 to 8 और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है 1 पिंच, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने देंगे रेफ्रिजरेटर में। मलाई चिकन टिक्का बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, हंकर्ड 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 4 काजू और 1 ग्रीन चिली का हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, काली मिरी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, बटर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 नींबू का रस और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पीसेस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट होने देंगे। चलिए अब हरियाली चिकन टिक्का या पहाड़ी चिकन टिक्का भी कह सकते हैं, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है ये ग्रीन पेस्ट, जिसे हमने 1 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, लहसुन 8 से 10 और नींबू 1/2 इसे हमने स्क्वीज कर लिया था और इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे बोल में। हंकर्ड 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसे भी ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट होने देंगे। 1 घंटा हो चुका है और हमारे ट्राइकलर चिकन मैरिनेट हो चुके हैं। चलिए अब हम चिकन को स्कीवर्स में अरेंज करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने बैम्बू स्कीवर्स लिए हैं, जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि जब मैं ऑयल में फ्राई करूँ तो ये जल ना जाए। और एक एक पीस चिकन का हम इस तरह से स्कीवर्स में अरेंज करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से अरेंज कर लें। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मलाई टिक्के को भी इसी तरह से कर लेंगे दूसरे स्कीवर में। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं, इसकी वजह से ये आसानी से पियर्स हो जाएगा। बस इसी तरह से सारे पीसेस अरेंज कर लेना है और इसे भी हमने रख दिया है साइड। अब हम ग्रीन चिकन को भी, हरियाली टिक्का या पहाड़ी टिक्के को भी इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा मसाला जो है एक्स्ट्रा वो हम इस पर ऐड कर लें और बस ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो हमारे ट्राई कलर चिकन कबाब स्कीवर्स पे लग चुके हैं और देखिए ये देखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके तीनों स्कीवर्स। आप चाहे तो अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, मैं तीनों एक साथ फ्राई करने वाली हूँ। 2 मिनट के लिए तेज आंच पर हमने इसे फ्राई कर लिया है और अब हम इसे टर्न कर लेंगे सभी स्कीवर्स को। आप चाहे तो इसमें थोड़ा मसाला ऐड कर सकते हैं और इसे धीमी आंच पर हम पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इस तरह से हमें टर्न करते जाना है सारे स्कीवर्स। बस इस तरह के हमें ग्रिलिंग मार्क्स चाहिए थे और अच्छे से ग्रिलिंग मार्क्स आने लगे हैं और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। अब हम इसे चारकोल का स्मोक दे देंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम फॉइल और इसमें मैं चारकोल ऐड कर दूंगी और कुछ ही ड्रॉप ऑयल ऐड करके मैं इस तरह से क्लोज कर दूंगी। हम देख सकते हैं स्मोक अच्छी तरह से आने लगा है और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो हमारे कबाब्स रेडी हो चुके हैं और अब हम इसमें से कोयला निकाल देंगे और अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे। तो दोस्तों हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल ट्राई कलर कबाब बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स।